हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम IOQC 21-22 का प्रॉब्लम करेंगे। देखो, हम लोगों ने 21-22 का पेपर 1 सॉल्व करके अपलोड कर दिया था। अब पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने प्रॉब्लम 1 सॉल्व करूँगी। यहाँ पर प्रॉब्लम 1 के 5 कुछ पार्ट्स हैं, 1.1, 1.2, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ऐसे हर प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो दिया था वो इपॉक्सी रेजिन्स के बारे में दिया था। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता कि IOQC में कैसे होता है, तो IOQC जो है वो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन केमिस्ट्री एग्ज़ाम है, जो कि 2 पार्ट्स में होता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। सेम डे एग्ज़ाम होता है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो पार्ट 2 होता है उसमें एक प्रॉब्लम दिया होगा स्पेसिफिक, और वो किसी ना किसी के बारे में दिया होगा। जैसे यहाँ पर हमें इपॉक्सी रीजंस के बारे में दिया है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके फिर कुछ सब पार्ट्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिवली आपको करने होते हैं, ठीक है। अब कहने को तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बट अगर आपने बेसिक्स अच्छे से बेसिक्स पे कमांड बनाया हुआ है तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस थोड़े स्ट्रक्चर बड़े होते हैं ऑर्गेनिक में, जैसे कि इसमें हम देखेंगे भी। तो देखो, इपॉक्सी रेजिन्स के बारे में बताया है। पहले तो ये बताया कि इपॉक्सी रेजिन्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं क्यों, रीज़न क्या है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का, क्योंकि उनकी स्ट्रांग एडहेसिव क्वालिटीज़ और स्टेबिलिटी है। मतलब वो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इपॉक्सी रेजिन्स हैं, इपॉक्सी रेजिन्स मतलब जिसमें इपॉक्सी लिंकेज होगा, मतलब ये वाला लिंकेज ना, ये इपॉक्सी बोलते हैं इसे, साइक्लिक ईथर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रेजिन मटेरियल्स के बारे में बताया है, और उसमें कुछ इंटरेक्शंस बताए हैं कि क्रॉस लिंकिंग चेन्स होती हैं, वैन डर वाल फोर्स है, चार्ज इंटरेक्शंस हैं, ओके। और ये रेजिन बनाया है, मतलब ये रेजिन मटेरियल का मॉडल दिखाया है कि ये रेजिन के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे ट्रैप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है रेजिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, और देखो आगे फिर आपको इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक एग्जांपल है कमर्शियल इपॉक्सी रेजिन का, जो कि सिरिंज में है, और उसमें क्या क्या है। देखो, सिरिंज में क्या क्या है, एक तो है एपीक्लोरोहाइड्रिन, एपीक्लोरोहाइड्रिन इज दिस स्ट्रक्चर, इन्होंने गिवन भी दिया है हमें, उसके 2 मोल है, और साथ में बिसफिनॉल ए है जिसका 1 मोल है, और बिसफिनॉल ए ऐसा दिखता है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर आपको दिए हैं, और साथ में NaOH है लेस देन 2 मोलर इक्विवेलेंस, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि एपीक्लोरोहाइड्रिन जो है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर था ये वाला, देखो यहां पे साइक्लिक ईथर है ये, ठीक है, साइक्लिक ईथर है इपॉक्सी। अब ये कैसे बनाए हम, किससे, एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड आपको पता है डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पे क्लोरीन होगा तो उसे एलाइल क्लोराइड बोलेंगे, और उस पर अगर मैं HOCl हाइपोक्लोरिस एसिड का एडिशन कराऊं तो हाउ कैन वी प्रिपेयर एपीक्लोरोहाइड्रिन। तो आपको M और N बताना है। देखो, आपको पूरा रिएक्शन नहीं बताना, पूरा आपको स्टेप वाइज मैकेनिज्म नहीं बताना, सिर्फ आपको M और N लिखना होता है कि क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपने अपनी ऑर्गेनिक पढ़ी है उस पर, उसके बेसिक्स पे जाओ। HOCl है, HOCl जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा अगर डबल बॉन्ड है सामने, और कौन सी एडिशन रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, और OH- क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है मैम। उसके बाद क्या करें, जो आपने सीखा है वो करो। क्या सीखा है, कि ये जो है ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऐड हुआ होगा, तो ऐसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। अब OH- अटैक करेगा, अब OH- अटैक करेगा तो करेगा कहाँ, ठीक है। तो OH- जो है वो यहाँ अटैक कर लेगा, और अपने पास ऐसा कुछ OH और ये Cl, ये बन गया, ठीक है, क्लियर है इतना।
फिर उसके बाद बेस ऐड किया। बेस क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास एल्कोहल का OH है मैम, तो ऑफ कोर्स ही बात है एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एल्कोक्साइड एनायन बनेगा। ओके क्लियर। अब ये O- जो है वो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, दोनों Cl जो है वो इक्विवेलेंट है तो किसी को भी रिमूव कर सकता है, और एपीक्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो सारी चीजें आपने पढ़ी हुई थी, मतलब कोई भी चीज आपने नई नहीं देखी यहाँ पे। आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है ये OH और Cl का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है एसिड बेस रिएक्शन का, और अगर O- बना तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगर घर में ही एक लिविंग ग्रुप बैठा है तो वो अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, और अपने पास इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। क्लियर, फर्स्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो, और थोड़ा सा ना पेशेंटली हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनकी एक एक लाइन में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा होगा। जैसे बिस्फिनॉल ए, सेकेंड में क्या दिया है, बिस्फिनॉल ए जो है वो तीन मिक्सचर्स में बन रहा है, मतलब जो मैंने बिस्फिनॉल ए का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये उसके तीन आइसोमर्स हैं एस टी और यू। तो पहले एक बार बिस्फिनॉल ए बना लो, क्या दिया है, ये है बिस्फिनॉल ए, उसके तीन आइसोमर्स जो हैं वो बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये OH है, CH3 है, ये बिस्फिनॉल है, ठीक है, दिस इज बिस्फिनॉल है, और इसके तीन आइसोमर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं STU, एक रिएक्शन करा रहे हैं किस किस के बीच में, एसीटोन और एक P कंपाउंड है। तो आपको इसमें सबसे पहले ये बताना है कि पी से यू क्या क्या बनेगा, पी से यू क्या क्या रहेगा। देखो P के साथ कोई रिएक्शन कराई एसिड की प्रेजेंस में, दो आइसोमर बने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12O2। तो अगर आप इसका DU निकालो तो DU देखो कितना आएगा, 10 - 12/2 4। DU कितना आया, 4। 4 DU का मतलब बेंजीन प्रेजेंट होना चाहिए Q और R में, और अगर यहाँ बेंजीन है तो ये यहाँ पे भी बेंजीन होना चाहिए। वैसे भी हमें बिस्फिनॉल से दिख ही रहा है कि बेंजीन होना अननेसेसरी है, तो बेंजीन के साथ OH ही होगा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल ही होगा, तो P हमारे पास फिनॉल है। तो मैम जरा रिएक्शन भी बता दो कि P फिनॉल है तो फिर एसिड की प्रेजेंस में कैसे वो रिएक्शन करेगा Q और A बनाने के लिए। तो ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी है, आप ध्यान से देखो, एसिड की प्रेजेंस में ये जो एसीटोन है एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, ये बनाएगा, ये रेजोनेंस करके ऐसा कुछ बना सकता है, हाँ मैम बिल्कुल बना सकता है, कार्बोकेटायन जैसा बन गया। और अगर हमारे पास कार्बोकेटायन बना है तो फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा ही ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, कहाँ कहाँ पे कर सकता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बन गया, एक तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया ये, और एक मेरे पास पैरा वाला बन गया, ठीक है, बस चेक कर लेते हैं विजिबल है क्या, हाँ जी क्लियर, इतना इतना समझ में आया, मतलब Q और R जो है वो इनमें से होंगे, Q और R का स्ट्रक्चर भी बन गया, P पता चल गया, Q और R पता चल गया। अब मैम STU और बता दो हमें, है ना, STU और कैसे होगा, तो देखो होता क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो ये बना है, मान लो Q वाला जो बना है, ये थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो जो Q वाला बना है उसको देखते हैं एक बार, जैसे ये है अपने पास, तो ये क्या करेगा, एसिड अभी भी प्रेजेंट है, अगर एसिड प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स ही बात है वो अल्कोहल के OH को प्रोटोनेट करेगा ताकि वो क्या बन जाए, OH2 पॉजिटिव बन जाए, और अगर वाटर बन जाएगा OH2 पॉजिटिव बनेगा तो ये कार्बोकेटायन भी बन सकता है इजिली इसको रिमूव करके, तो यहां पर क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया मैम, ठीक है। तो एक और नया कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ, और वो नया कार्बोकेटायन जाकर दोबारा फिनॉल पे अटैक करेगा, और जब वो फिनॉल पे अटैक करेगा तो फिनॉल के कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है, दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो अपने पास जब ये ऑर्थो पे रिएक्ट करेगा, फिनॉल है OH है CH3 एक तो ये बन गया, ठीक है।
अब एक इसके पैरा पे बंद करेगा तो ये बन गया। ओके क्लियर। ऐसे ही अपने पास पैरा वाला भी बना लेगा इलेक्ट्रोफाइल, और वो पैरा वाला दोबारा इस पे अटैक करेगा जाके, तो क्या बन जाएगा अपने पास, एक तो बिस्फिनॉल ही बन जाएगा पैरा वाला ही, CCH3 ऐसे बना लो इसको, बेंजीन CCH3 CH3 OH OH। ओके क्लियर। और एक और अपने पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो पे ये बन जाएगा। ठीक है देखो, ये हमारे पास STU आइसोमर हो गए। वैसे हमारे पास चार बने हैं बट उन्होंने तीन ही गिवन दिए हैं, ठीक है, तो ठीक है तीन हम लेके चल लेंगे अब, मतलब कोई भी तीन ले सकते हैं अभी तो, है ना, क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है कि S किसको, मतलब STU यही होने चाहिए, बट अब चार पॉसिबिलिटीज हैं तो चारों को ही ले सकते हैं। अब इन दी प्रोसेस, नेक्स्ट क्या बोला है, इन दी प्रोसेस वन ऑफ द आइसोमर प्रेसिपिटेट आउट इजिली एज क्रिस्टल वाइल द अदर टू रिमेन इन सॉल्यूशन एंड आर सेपरेटेड बाय अदर मींस, दिस आइसोमर इज फाउंड टू हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो कंपाउंड जो है वो वो बोल रहा है कि एक आइसोमर ऐसा आइसोमर है जो कि क्या हो जा रहा है, इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है, ठीक है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो अब खुद सोचो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी, या फिर किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसकी लेटेस्ट अच्छी बनी होगी, ठीक है, और लेटेस्ट अच्छी सिमेट्रिकल वालों की बनती है, तो यहाँ मोर सिमेट्रिकल कौन सा है, ऑफकोर्स ही बात है ये वाला है मोर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि ये मोर सिमेट्रिकल है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और इसमें ये भी बोला है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो अगर आप देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है क्लियर ये चीज़। तो ये था 1.2। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं 1.3, 4, 5 उनमें क्या है, जब आपको पॉलीमर बनाना होगा, अब देखो इनमें पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है हमें, तो अगर पॉलीमर बनाना है तो आप बार बार बिस्फिनॉल ए जो है, बिस्फिनॉल ए दोबारा दोबारा बनाओगे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे दिखा दो पूरा स्ट्रक्चर और साइड में OH OH दिखा दो, आपकी मर्जी, आप ऐसा दिखा सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर था और टाइम भी कम होता है तो फटाफट लिखना होता है, तो ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है, और फिनाइल ग्रुप को पीएच दिखा सकते हो, उसने खुद कुछ इंस्ट्रक्शंस खुद से दे दी हैं। अब उसने बोला है जब दो लिक्विड्स ट्यूब में, फिगर 2 में जो बोला था, उनको मिक्स किया, दे रिएक्ट एट अ रेट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड बिस्फिनॉल ए बट नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। मतलब अगर हम एपीक्लोरोहाइड्रिन की और बिस्फिनॉल ए की रिएक्शन कराएं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बट NaOH की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, NaOH आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट लूँ, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूँ, इनकी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो की वजह से डिफरेंट क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बट NaOH के अलग लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें एक वी प्रोडक्ट बनाना है जब दो इक्विवेलेंट्स एपीक्लोरोहाइड्रिन लें और एक इक्विवेलेंट बिस्फिनॉल ले लें, तो ये दो इक्विवेलेंट है और बिस्फिनॉल ए ऐसा होता है, देखो NaOH तो प्रेजेंट है ही नहीं ना, है ना, अगर NaOH प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स ये बात है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, O- का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, अब वो O- जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो क्या करेगा, वो जाकर इस पे रिएक्शन करेगा और अपना क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है। अब सेम चीज देखो, अब उसने बोला है दो इक्विवेलेंट है एपीक्लोरोहाइड्रिन के, तो अगर इस OH पे रिएक्शन हो रही है तो इसने कोई कसूर थोड़ी ना किया है, इससे भी हो सकती है रिएक्शन, तो यहां पर भी O माइनस बन सकता है, और O माइनस बनेगा तो वो रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन करेगा CH2। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि V कहलाएगा। क्लियर? सही है। अब देखो, रिएक्शन होने को ऐसा भी हो सकता था कि SNI रिएक्शन हो जाती और प्रोडक्ट सेम ही मिलता अपने को, ये यहां से और ये यहां से O माइनस बनता, और फिर ये O माइनस ये जाता और ये निकल जाता, तो भी प्रोडक्ट सेम ही मिलता। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट जो प्रोडक्ट बी पूछा है उसकी कहानी। ओके, देखो नॉर्मल है, आपने न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन पढ़ी है, वही है यहाँ पे। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में बोला है कि बताओ प्रोडक्ट डब्ल्यू क्या बनेगा अगर बिस्फिनॉल ए की रिएक्शन लेस देन टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन, मतलब एपीक्लोरोहाइड्रिन के इक्विवेलेंट कम कर दिए, घटा दिए। ठीक है, अगर एपिक्लोरोहाइड्रिन के इक्विवेलेंट्स घटा दिए तो प्रोडक्ट डब्ल्यू का क्या होगा, मतलब क्या बनेगा। देखो ये है अपने पास, अब दोबारा वही बेस की कहानी, O माइनस बनेगा। ठीक है मैम, अब ये O माइनस मैम कहाँ अटैक करेगा जाके, वही सेम चीज, वही सेम तरीके से ये बन गया। ठीक है, लेकिन अब की बार जो इक्विवेलेंट्स है ना बच्चा, वो इक्विवेलेंट्स जो हैं वो दो से कम हैं। अगर दो से कम है इक्विवेलेंट्स तो यहाँ पर ये O, ये CH2, ये बन गया। अब इस पे अटैक नहीं हो पाएगा। अब अगर एक इक्विवेलेंट एक से रिएक्ट कर रहा है तो जो दो से कम, मतलब कुछ इक्विवेलेंट बचा होगा वो पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि इससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इसके तो एक ही करना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर अपने पास सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि ये जो है ये क्या करेगा, अब जो रिएक्शन जो अपने पास ये था, जो वी बना था उससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि फिगर टू में ये दिखाया है, देखो फिगर टू ये है ना, तो इसमें कमर्शियल जो ट्यूब है इपॉक्सी रेजिन की वो ये है। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो दोनों की हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास कि ये जो डब्ल्यू है वो अपने वी से रिएक्ट करेगा, तो वी क्या है अपने पास, ये है। ठीक है, ये था अपने पास वी, ये था। ओके, अब ये ओ माइनस क्या करेगा बेटा, ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, यहां पर जो ये ओ माइनस बना है ये जाके रिएक्शन करेगा, कहाँ रिएक्शन करेगा, नॉन स्टेरिक हिंड्रेंस साइड पे, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ये यहां जाएगा, ये खुलेगी रिंग, और अपने पास क्या बनेगा, ऊपर बना देती हूँ मैं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो। देखो क्या बना अपने पास, बेंजीन ओ CH2 है ना ये। ठीक है, फिर CH ओ माइनस, ओ माइनस को OH मिल जाएगा, फिर CH2, फिर ओ, फिर बेंजीन, फिर वही CH3, फिर ऐसा, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा इधर होगा ओ,
बेंजीन, सी सी एच थ्री, सी एच थ्री, बेंजीन, ओ सी एच टू, और ये इपॉक्सी रिंग, और इधर भी ये सी एच टू इपॉक्सी रिंग। क्लियर? ओके, तो अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिंपल इपॉक्सी का ओपनिंग हुई है, ठीक है, साइक्लिक की तरह की ओपनिंग रिएक्शन हुई है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल इतना बड़ा है तो हम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि पेपर में कैसे लिखें, कैसे होगा क्वेश्चन, बट बहुत ईजी है अगर आप काम माइंड से इसको करने की कोशिश करें तो। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में बोला है कि W जो बना है उसमें कौन कौन से टाइप की इंट्रैक्शंस हैं। देखो, जो W बना है उसमें OH प्रेजेंट है, तो OH प्रेजेंट है तो वो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपको पता है ना कि OH, NH और FH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, फोन के साथ। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही हैं मॉलिक्यूल्स में, वैसे ही बेंजीन है तो होगा। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी हो सकते हैं, सीओ बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बी सी आर डी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर मुझे 1.31 मतलब जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था जिसमें V बनाया था, और जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है जिसमें हमने वो पॉलीमर बनाया था W वाला, अगर मुझे उनका मैकेनिज्म जानना है तो मैं कौन से कार्बन को कार्बन 13 से आइसोटॉपिकली लेबल कर सकती हूँ। तो उसके लिए देखो, एपीक्लोरोहाइड्रिन जो है वो ये था ना ये। ठीक है, अब जब हम लोगों ने पहली रिएक्शन कराई थी फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाले में ये हुआ था कि बिसफिनॉल का ओ माइनस जो है, वो जाकर इस पे रिएक्ट कर रहा था और ये आ रहा था। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब अगर मैं इस कार्बन को 13 कर दूं तो ऑफ कोर्स ही बात है जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ओ सी एच टू, यहां पर ये ऐसा और ये 13 वाला कार्बन यही होगा, और वो फर्दर वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मतलब एक कार्बन तो 13 ये वाला कर सकते हैं हम लोग, दूसरा कार्बन 13 ये वाला कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब हमने सेकंड वाला मैकेनिज्म देखा, सेकंड वाले मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि जो ये बन चुका है ऐसा कुछ ये बन चुका था ना अपने पास। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो देखो ये इतना बड़ा कंपाउंड सा बन रहा था। ठीक है, अब जो ये ओ माइनस था वो O- इस पे जाके अटैक कर रहा था, ये जो बना हुआ कंपाउंड है इस पे जाके अटैक कर रहा था। मतलब अगर मैं इस कार्बन को 13 कर दूं, ये जो एपीक्लोरोहाइड्रिन है इसको 13 कर दूं, तो ये वाला जो 13 कार्बन है जब ये इस पे अटैक करेगा, यहां पर जो ये 13 है ये 13 ये होगा, इधर आएगा ये कार्बन 13। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कार्बन 13 यहां पर आएगा। ठीक है, तो इस कार्बन का कोई रोल नहीं है, तो इसको 13 करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, दो ऐसे एपीक्लोरोहाइड्रिन बन गए लेबल वाले जिनको 13 बनाने से हमें मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, मैकेनिज्म डिफरेंट पता चलता है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन को 13 बनाती हूँ तो फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस आएगा ही ना, फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैकेनिज्म का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, बट इन दोनों को 13 बनाने से मैकेनिज्म का डिफरेंस पता चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई भी चीज़ इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी कितना शो कर रही है। ठीक है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करेगी कि वो रेजिन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपनी मॉलिकुलर कॉन्फॉर्मेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो आपको बोला है बाय प्रोडक्ट बताओ क्या होगा 1.31 और 2 का, और अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि कम करेगा। तो देखो, अगर आप यहां पर रिएक्शन देखो तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो NaOH की प्रेजेंस में हो रही है ना,
बेस डाला था, बेस में इसको पहले ओ माइनस बनाया फिर जाके रिएक्ट करा, तो मतलब एन ए प्लस एज अ स्पेक्टेटर आयन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा मैम। फिर उसके बाद सी एल माइनस निकल के जा रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है एक केटायन है एक एनायन है, दोनों में इंट्रैक्शंस तो होगा ही, और दोनों में अगर इंट्रैक्शंस है तो वो एन ए सी एल का फॉर्मेशन करेगा, तो एन ए सी एल का फॉर्मेशन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट अपने पास देखने को मिलेगा। अब एन ए सी एल जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि घटाता है, जो ये आयन्स है एन ए सी एल है जो आयनिक कंपाउंड है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को उसकी डिक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अपने पास इथाइलिन डायमीन है, ओके, और उसने बोला है अगर हम V की रिएक्शन, V क्या था, V था हमारे पास ये कंपाउंड, आपको कंपाउंड सारे याद रखने, याद क्या रखने, आपको लिखने ही पड़ेंगे वहां पे ना, आपको जो शीट दी होगी उसमें आपको ये कंपाउंड्स लिखने ही पड़ेंगे, CH2 होगा और ये बना होगा, ठीक है, ऐसे यहां पर O ये रहा होगा, ठीक है, ये है अपने पास। अगर मैं इसकी रिएक्शन इथाइलिन डायमीन से कराऊं, वो भी चार इक्विवेलेंट से ज्यादा और बहुत ज्यादा डाइल्यूशन में, मतलब इसका अमाउंट बहुत कम लिया, इसका अमाउंट बहुत कम लिया, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा लिया, तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, ये यहां जाएगा और ये बना लेगा, ठीक है, क्लियर। और ऐसा ही सेम यहां पर होगा, सेम दूसरा मॉलिक्यूल जो है, दूसरा इक्विवेलेंट जो है वो यहां करेगा, इस पे जाकर रिएक्ट करेगा लेस्टेरिक हिंडर्ड साइड पे और ये बना लेगा, तो अपने पास क्या बना, अपने पास क्या बना, देखो इस वाले कंपाउंड को बिस्फिनॉल को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूं ना, OH ऑक्सीजन, इधर फिर अपने पास क्या है, ऑक्सीजन के आगे CH2 CHOH आ गया, इधर CH2 फिर NH CH2 का ट्वाइस और NH2 ये बना, ठीक है, और इधर अपने पास CH2 CHOH CH2 NH CH2 का ट्वाइस NH2 ये अपने पास बनता है, ठीक है, ये अपने पास कंपाउंड बनता है V जब ये रिएक्शन शो करता है, ओके। नेक्स्ट आगे बोला है अगर मैं एक्सेस ऑफ वी ले लूं और उसकी रिएक्शन इथाइलिन डायमीन से कराऊं, तो देखो एक्सेस ऑफ वी का मतलब क्या है, अगर हम एक्सेस ऑफ वी ले लेते हैं तो ये OH है, ये C है, CH3 है, OH नहीं है यहां पे, V जो है वो अपने पास ऐसा है, ठीक है, सेम यहां पर ओ सी एच टू ऐसा है, ठीक है। अब अपने पास जो NH2 था, इथाइलिन डायमीन था, उसने रिएक्शन शो की, रिएक्शन यहां पे गया, ये यहां गया, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे बना देती हूँ, दोबारा बनाने से OH बना CH2 NH CH2 का ट्वाइस NH2। अब होगा क्या ना, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है और V एक्सेस में है, तो यही N जो है ये दोबारा रिएक्ट करेगा दूसरे कंपाउंड पे। आप लोगों ने वो पढ़ी है ना, एग्जॉस्टिव मेथिलेशन रिएक्शन पढ़ी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ही N पे दोबारा CH3 का एडिशन कराते हैं जब तक वो क्वार्टरनरी ना बन जाए। सेम यहां पर होगा, सेम यहां पर दोबारा CH2 CHOH CH2 O और दोबारा ये बिस्फिनॉल पूरा, ठीक है, ओ फिर यहाँ पे CH2 और फिर इपॉक्साइड रिंग, ठीक है, सेम दोबारा की टर्शी बन चुका है, दोबारा ऐसी रिएक्शन हो जाएगी और सेम एक और हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और ऐसा कुछ कंपाउंड देखने को हमें मिलेगा, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहां पर अपने पास, क्योंकि इथाइलिन डायमीन जो है वो लो पे है, लो अमाउंट में है, तो अगर ये लो अमाउंट में है और वी एक्सेस में है, तो अपने पास एक ही नाइट्रोजन पे एग्जॉस्टिव मेथिलेशन जैसी रिएक्शन होगी, ठीक है। और चार्ज स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि देखो एन पे पॉजिटिव आ गया यहां पे और एक OH का H चला जाएगा टू फॉर्म, टू न्यूट्रलाइज इट, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट बोला है कि जो हमने 1.42 में बनाया है उस रेजिन को, वो रेजिन को क्या बनाएगा, मोर फ्लेक्सिबल बनाएगा, मोर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनाएगा, या गेन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ? देखो, क्योंकि यहाँ पर अपने पास चार्ज स्पीशीज बनी है और ऊपर से अपने पास ये जो है बहुत बड़ा पॉलीमर बना है, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगी जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, तो गेन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इपॉक्सी रेजिन जो है वो एडहेसिव की तरह काम करें, उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए? तो देखो, थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज याद होना इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तभी बता सकते हैं. तो देखो, होता क्या है, जिन पे थायोल ग्रुप एडहेसिव, मतलब एडहेसिव मतलब ग्लू, मतलब एक ग्लू की तरह काम कर सकते हैं. ठीक है, तो जिनमें थायोल ग्रुप होगा वो हो सकते हैं, सेलुलोज सरफेस होगा वुड पे वो, या पॉलिएस्टर फैब्रिक रखेंगे वो. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये इपॉक्सी रेजिन को एज अ एडहेसिव यूज करने में काम आती हैं. ठीक है, बट दिस यू हैव टू लर्न, याद होना चाहिए कुछ फैक्ट, जैसे NaCl जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को घटाता है, ये भी हमें पता ही होना चाहिए. ओके, तो देखो कुछ कुछ रिएक्शंस जो थी इस क्वेश्चन में, वो रिएक्शंस जो हैं वो आपने देखी होंगी, जैसे इपॉक्सी रिंग का साइक्लिक ईथर का ओपनिंग या क्लोजिंग. ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये SN2 सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब आपने देखी हुई है. बट क्योंकि मॉलिक्यूल इतना बड़ा दे दिया उन लोगों ने बिस्फिनॉल ए, तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और साथ में इसमें पॉलीमराइजेशन का भी यूज़ किया, कुछ पॉलीमर्स का भी यूज़ किया है, पॉलीमराइजेशन कंसेप्ट का भी यूज़ किया है, तो थोड़ा सा इसमें सोचना भी पड़ेगा. और इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफाई भी नहीं किया, जैसे STU को लेकर स्पेसिफाई नहीं किया, या फिर VW को लेकर इतना स्पेसिफाई नहीं किया. ठीक है, तो लेकिन वो हमें खुद से चेक करना था. ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर वन था, जो कि किस पे था, इपॉक्सी रीजंस पे था. ऐसे ही हम जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हैं इस पेपर में वो भी सॉल्व करेंगे. थैंक यू.